हर हर महादेव। जो हमारा प्रीवियस वाला ब्लॉग था ना 0 to 60 और 0 to 100 वाला, मेरे 1 ईयर के मोटो ब्लॉगिंग कैरियर में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मेरे ब्लॉग में कहीं पे नॉइस का बीच में इशू आया हो। मुझे लगा था कि मे बी माइक वगैरह थोड़ा सा कहीं से लूज़ हो गया होगा, बट जब मैंने बाद में जाके चेक किया, हमारा जो माइक अडेप्टर है उसकी जो पिन है वो ख़राब हो गई हुई है। एंड वी ऑल नो कि जो हमारा GoPro है ना, इसकी मोनोपोली है। इसका कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एसेसरी रहेगी, वो आपको बाहर से इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं मिलेगा, आपको वापस से GoPro का ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो आने में भी उसको काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाते थे, तो हमने यहाँ पे लोकल में BC रोड पे ही जम्मू में यहाँ से नया वाला GoPro का माइक अडेप्टर लिया, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 4200 रुपीज़। वैसे जम्मू वासी हो आपको ये वाली जगह पता है? ये देखो यहाँ पे क्या सब होता है मैन। जम्मू सिटी में ना 3 से 4 जगह पे अलग अलग जो अंडरग्राउंड हमारे क्रॉसेज रहते हैं वो बनाए गए हैं, जो सबवेज जिनको हम कहते हैं। बट हर जगह पे आप कहीं भी चले जाओ, आपको मैक्सिमम वहाँ पे आइधर दारूबाजी मिलेगी, या फिर नशेबाजी मिलेगी, या लौंडियाबाजी मिलेगी, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम देखते हैं स्मेल रहती है, वो भी किसकी? सुसु की। ये रास्ते भी बहुत कम लोगों को पता है। देखो अभी हम आए थे नीचे से बस स्टैंड रोड से, और अभी हम आ गए हैं फ्लाईओवर पे। एंड ये एक्चुअली नीचे वाला गेट है जो कि मैक्सिमम टाइम बंद ही रहता है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। तो GoPro वाला काम हमारा लगभग हो गया, और अब हमारा एक काम और बचा हुआ है, वो है हमारा हेलमेट का भी। ये देखो हमारा ये वाला जो वाइजर है ना, एक तो ये वाला वाइजर वैसे भी हम लोग नाइट के टाइम ना यूज़ नहीं कर सकते, डे टाइम के लिए है, और अब तो डे के टाइम पे भी यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इसको भी चेंज करवाना पड़ेगा। बट उससे भी पहले वी हैव सम मोर इम्पॉर्टेंट वर्क्स। आज हम सारे के सारे काम खत्म कर रहे हैं, बिकॉज बहुत जल्द हर एक चीज़ निपटा के, हर एक काम खत्म करके ना वी आर लीविंग दिस ब्यूटीफुल सिटी। क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने नाक में दम करके रखा हुआ है, कुछ एक गिने चुने लोगों की वजह से ना सबके सबको परेशान किया जा रहा है। इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कभी नहीं देखी मैंने जम्मू में। ये रही जी हमारी नगीनी, क्या खूब लग रही है ये भी आजकल ना, वॉश ही नहीं करी वैसे मैंने कई दिनों से। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको येलो लाइनिंग दिख रही है ना, इसके अंदर अगर आप जम्मू सिटी में 10 मिनट्स के अंदर अंदर अगर आप पार्क करते हैं तो आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, उसके बाद जो है वो चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं। तो मेक श्योर जब कभी आप लोग ऐसी किसी जगह पर अपनी बाइक या कार कभी भी पार्क करते हैं तो उनसे पर्ची ज़रूर लिया कीजिए। बाइक चलाते हुए थोड़ी देर हम ब्लॉगिंग नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा ये जो माइक है ना GoPro का माइक अडेप्टर तो हमने ले लिया, बट ये रहता है अलग से माइक, और ये रहता है एक मेल टू फीमेल वाला कनेक्टर, इसमें दिक्कत आ गई हुई है, ये यहाँ से ना लूज़ हो गया हुआ है। तो सीधा चलते हैं पहले रघुनाथ बाज़ार हमारी शॉप पे, जहाँ से ये चीज़ मिलेगी। माइक तो आपको पूरी सिटी में कई जगहों पे मिल जाएंगे, बट जो माइक का GoPro का हमारा जो कनेक्टर रहता है ना, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पे मिलेगा रघुनाथ बाज़ार में। ये जगह सही रहेगी पार्किंग के लिए। हाँ जी, हाँ हाँ लगाओ, आप ही की पार्किंग है सर, हम तो आउटसाइड रहे हैं। mobile.com फ्री में प्रमोशन, लो जी खुश हो जाओ, कहीं भी नहीं मिलेगा और कनेक्टर ना, होपफुली यहाँ पे मिल जाए। लास्ट टाइम मैं 3 से 4 लेके गया हुआ था। क्या हाल है? दोनों चाहिए, दोनों में से कुछ खराब है, क्या है पता नहीं। कनेक्टर तो मिल गया, बट पहली चीज़ तो ये वाइट कलर का है, दूसरा ये फीमेल टू मेल है, और ये है जी हमारा माइक। अब पता नहीं है इन दोनों में से ख़राब है क्या, चेक करना पड़ेगा, होपफुली ठीक हो जाए यार। ये है जी सामने हमारे थापा साहब, ये बस स्टैंड पे इस टाइम पे इनकी ड्यूटी रहती है, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है इनको लेके, पता नहीं सही क्या है गलत क्या है, बट हमने भी इनके साथ ब्लॉग बनाया, मेरे साथ तो अच्छे से बात करी थी इन्होंने। सिटी में ना हर 500 मीटर के बाद आपको पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के नाके दिख जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, और ये सब हुआ है कुछ गिने चुने बाइकर्स की वजह से। हमको भी बीच में पकड़ते हैं, रोकते हैं, बट हो जाता है सॉर्ट, अब थोड़ा कम हो गया है, होपफुली ठीक ही रहे। चलते हैं पहले हम लोग हमारे हेलमेट का वाइजर लगवा लेते हैं। भाई कितने देर बाद शीशा चेंज करा रहे? पहला पहली बार है 2 साल में। ये दूसरी हेलमेट है यार, धजियाँ उड़ गई ना, चेंज करना दोनों। ये क्या करना है इसका, है कोई फन चेंज करने का? मेरे को तो लग रहा है नहीं, वो वर्क तो कर रहा है अभी तक ठीक ठाक, दिक्कत तो नहीं दे रहा अभी। पहले हमने सोचा था हेलमेट चेंज कर लेते हैं, बट फिर थोड़ा सा बजट इशू है, तो इस टाइम पे हम लोग वाइज़र ही चेंज करा रहे हैं। ये वाइज़र आपको साफ दिख रहा है ना, बट इसमें इतने ज़्यादा स्क्रैचेज है ना, रात को बिल्कुल भी नहीं दिखता जब लाइट बचती आगे से। प्लेन वाला डलवाते हैं, प्लेन वाला सोच रहा हूँ। ये हैं जी हमारे हेलमेट के लॉक, और ये अभी तक तो ठीक काम कर रहे हैं, बट बीच बीच में ना अटक जाते हैं, तो लगे हाथ इनको भी चेंज करा ही लेते हैं। ये 50-50 रुपए का एक सिंगल पड़ रहा है हमको।
प्लेन वाला वाइजर ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, मज़ा ही नहीं आ रहा हेलमेट में। चेंज कर दो भैया, इस वाले को उतार दो, फील भी आना चाहिए ना, प्लेन वाले में फील ही नहीं आ रहा, इसको तो चेंज करना ही पड़ेगा। टिंटेड वाला सही है, ये देखो ये है टिंटेड वाला, इससे ना फील आता है, हेलमेट लगती है कि हेलमेट है। प्लेन में ऐसे पूरा साफ दिखता है, क्लियर दिखता है, खुद को भी बाहर भी अच्छा नहीं लगता। सन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट रात का इशू हो जाएगा इसमें। ये हो गया जी हमारा अब एकदम वाइजर रेडी। रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी अभी भी, हालांकि पहले हम लोग सोच रहे थे कि प्लेन वाला डलवा लेते हैं, बट पता नहीं डलवाते मूड चेंज हो गया, हमने टिंटेड वाला वापस डलवा ली, क्योंकि मुझे आदत है ऐसे ना, क्योंकि मुझे ना अब आदत भी नहीं रही है प्लेन वाले की, ये टिंटेड वाला ही ठीक है, तो यही चलेगा अब वापस। इसके बाद सीधा हेलमेट ही चेंज करेंगे, वाइजर चेंज नहीं करेंगे हम लोग। उफ़ ये आवाज़ वूमेन। सो गाइस, माइक अडाप्टर हमको मिल गया हुआ है और गोप्रो के लिए माइक भी हमको मिल गया हुआ है, बट जो इशू है ना वो कनेक्टर का ही है, और जिस शॉप पे मुझे पूरे जम्मू में ना कनेक्टर मिलता है वो कनेक्टर वहाँ पे अवेलेबल है नहीं। तो अब चलते हैं दूसरी वाली तरफ परेड में। एक तो पहले ही रोड इतना ज़्यादा कंजस्टेड है, ऊपर से बीच रोड के गाड़ी लगा के लोडिंग और अनलोडिंग हो रही है, बट जम्मू के लोगों में पेशेंस देखो, एक बंदे ने एक सिंगल हॉर्न तक नहीं बजाया हुआ है, यही तो खासियत है जम्मू के लोगों की यार। रोड पे चलते हुए ना छोटा मोटा कॉपरेट आपको करना ही पड़ेगा, समटाइम्स आपके ऊपर भी ये वाले हालात आ सकते हैं, तो छोटा मोटा चलता है। और सिटी के अंदर वैसे भी कंडीशन थोड़ी अलग ही हैं, लोग अच्छे हैं काफ़ी। वैसे बाहर बाहर से अगर मैं जाता ना तो नाके बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वैसे होता तो कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट मेरे पास सारे हैं, बट तंग करते हैं पुलिस वाले, तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। भाई साहब, ये बेबी पिंक स्वेटर वाली लड़की क्या घूर रही है, मुझे क्या हो गया इसको। हम भी बनाए थंबनेल ऐसा, पब्लिक रिएक्शन, क्यूट गर्ल स्टेयर्स एट मी, क्यूट गर्ल ने देखा मुझे, छपरी पंती माँ, मतलब ये भी कोई कंटेंट हुआ यार। ठीक है, कंटेंट है, ये भी एक कंटेंट है, ये कई टाइम से काफ़ी टाइम से ब्लॉगर्स वगैरह यूज़ करते आ रहे हैं, बट वो अलग टाइप के ब्लॉगर्स रहते हैं, जो मोटो ब्लॉगर्स हैं ना उनका निश अलग रहता है। मोटो ब्लॉगिंग में ये सब चीज़ें घुसा के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से लोग यार पूरा माहौल ख़राब करके रख दिया हुआ है। बाइकर्स एंड मोटो ब्लॉगर्स को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी ना किसी टाइम पे, बट आज के टाइम पे वो पूरा का पूरा माहौल ही ख़राब कर दिया हुआ है। बस छपरी बंती करो, कटवट मारो, स्कूल कॉलेज के बाहर चढ़ जाओ, लड़कियों को तंग करो, एग्जॉस्ट की साउंड निकालो और वहाँ पे लिख दो पब्लिक रिएक्शन, क्यूट गर्ल ब्लॉग्स, क्यूट गर्ल। चलो हम क्या ही बोल सकते हैं किसी को यार, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, हम अपना करते हैं, लोग अपना कर रहे हैं, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस नाके पे ना ये वाला जो चौक है यहाँ पे मुझे 4 बार पुलिस ने रुकवाया, बट हर बार जाने दिया है। डॉक्यूमेंट चेक करके तो जाने देते हैं, बट जो टाइम वेस्ट होता है 10 किलोमीटर में 4 बार पुलिस रुकवा रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा यार, कोई तो प्रोसीजर रखो, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट। जैसे हमारा एक बार चालान कट जाता है ना तो हमें ये पता होता है कि अगले 24 घंटे तक जिस वजह से चालान कटा है वो चालान फिर से हमारा नहीं कटेगा, बट सिटी में आपको बार बार पुलिस रुकवा रही है, एक दिन में 10-10 बार पुलिस रुकवा रही है, उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है रियली। मुझे ना ये नो एंट्री लग रही है और साइन बोर्ड भी लगा हुआ नो एंट्री का, आगे नहीं जाना मैं, नो एंट्री। अब हम गलत चीज़ें नहीं करते, किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा किया करते, तो यहीं से इस वाली तरफ हो जाते हैं। ठग लाइफ हम भी जीते आए हैं यार, बहुत ज़्यादा ठग लाइफ जी है हमने, बट अब ये सब चीज़ें गलत लगती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आगे से देखो कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई कुछ गलत हो गया, तो मेरी गलती कहीं से भी ना निकले, तो सबसे पहले ढूंढते हैं हम लोग यहाँ पे कहीं पार्किंग, क्योंकि यहाँ पे ना 10 से 12 हमारी जो शॉप्स हैं गैजेट्स की, मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह की, तो एक एक शॉप में जाना पड़ेगा बार बार, तो यहीं कहीं पर बाइक पार्क कर लेते हैं, यहाँ पर सेफ रहेगी आई गेस। चलो जी अब शुरू करते हैं हमारी तलाश। ये है यहाँ परेड में शॉप्स हैं ऐसी, मतलब सामने कंफर्म कर लीजिए सामने। आज से 3 महीने पहले भी मैं इन जगहों पे खज्जल हो चुका हूँ, बट मुझे ये कनेक्टर नहीं मिला था, फिर जाके मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था और उसके बाद उस शॉप पे मिल गया था, अब वहाँ भी नहीं है, अब देखो क्या होता है। ਅਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆ ਜੋ ਉਲਟਾ ਜੰਮੇ ਦਾ ਹਾਲਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਪੰਜ ਕੋਲ ਲੱਗੋ ਮਾਈਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਰੀਆਂ ਦੋ ਅੱਛਾ ਪਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਰੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਲਾਉਣਾ ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਿਖੇ ਡਰੀ ਆ ਭਰਾ माइक कनेक्टर तो हमको वहाँ पे भी नहीं मिला, बट अश्लीलता की हदें पार कर रहे थे हम लोग, डबल मीनिंग बैड जोक्स पे बैड जोक्स, बच्चों को तो समझ नहीं आया होगा ना पोगो वालों को। अब हमारी जो आखिरी उम्मीद है वो घूमट है, घूमट में भूषण इलेक्ट्रॉनिक्स करके शॉप है ये, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे
उससे पहले हमको बाइक हमारी पार्क करनी है, ये जगह सबसे बेस्ट रहेगी। ट्रैफिक पुलिस और पुलिस जो बाइक सीज़ करती है ना, अगर सिटी में हो लोकल एरिया में, तो ऐसी वाली जगहों पे लगाते हैं वो। तो अगर हम यहीं पे बाइक पार्क करते हैं तो कहाँ पे लेके जाएंगे, इसको बोलते हैं द रियल ठग लाइफ, जिससे किसी को भी परेशानी ना हो। ये भी खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है, नगीनी हमारी बेचारी फालतू में फिस जाएगी। अगर देख लिया ना किसी पुलिस वाले ने, 2-3 हज़ार का फालतू में फटका लगा देंगे हमको। चलो जी वापस से तलाश करते हैं हमारे, ये आ गई हमारी भूषण रेडियोज़। भैया मेल टू फीमेल वाला माइक कनेक्टर चाहिए, डबल पिन। दो बाइक मेरी यार, ये वाली चीज। निराशा ही निराशा, हर जगह निराशा, पूरी सिटी के चक्कर लगा लिए यार। ओ महादेव, पूरा दिन वेस्ट हो गया यार, थक गया हूँ मैं बाइक स्लो चला चला के, 30 की स्पीड भी क्रॉस नहीं कर पा रहा विंड नॉइस की वजह से, कुछ तो करना पड़ेगा। सो ऑनलाइन हमने उसी टाइम पे ऑर्डर पे डाल दिया था, और 3 मैंने एडिशनल वाले भी ले लिए, तो 1-2 दिन के अंदर वो घर पे आ जाएंगे। तो पहले चलते हैं हम लोग रूम में, वहाँ पे थोड़ा सा हमारा सामान पड़ा हुआ, उसके बाद निकलते हैं सीधा पापा के घर हीरानगर। इसको देख के ना मुझे मैक्स और गैरी दोनों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो 7-8 दिन हो गए दोनों से मिले हुए, घर तो अब जाना ही पड़ेगा। मुझे जल्दी से ना ट्रैवल के लिए भी एक डॉग लेना ही पड़ेगा, इनके बिना मुझसे अब रहा ही नहीं जाता है। अरे ये तो अपना गैरी लग रहा है, गैरी है ना, हाँ। ओ गैरी गैरी गैरी, ओए क्या हाल है, क्या हाल है गैरी का, क्या हाल है गैरी का, हैं? नो नो नो, टच नहीं करना, सामने आ सामने, लैट सामने। ओ गैरी डर गया, हाँ यही चाहिए मेरे को भाई, मुझे ये वाला डॉग ला दे यार, मुझे यही चाहिए। ये ब्लैक में नहीं आता है क्या, कम मिलता है ये, आ जाए ट्रैवल के लिए सही है, इसका साइज कुछ ज़्यादा बड़ा, कैसे फिट हो गए। बट यही तो स्ट्रगल है हमारा, यही दिखाना है हमने, नहीं। ओ गैरी, गैरी की आंखों में लाइट लग रही बेचारे के, गैरी का मुंह देखो यार, ओहो भाई यही चाहिए यार, यही चाहिए। चल माँ कुड़ी।